नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, इसे पूरा देखना। आपको बताएंगे क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट आपको क्यों चेक करना चाहिए। यहाँ पे एक हमारे भाई ने स्टेटमेंट को चेक नहीं किया, बिना कोई सामान लिए हुए इनके पास EMI बन के आ रहा है। क्या है कहानी, शायद आपके संग ये घटना हो सके और इसके बारे में शायद अभी यूट्यूब पर आपको बहुत कम उम्मीद है कि वीडियो आपको मिल जाए। कैसे, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों, मेरे व्यूवर्स हैं ये बेचारे काफी दुखी हैं, हमसे ईमेल पे हमसे हेल्प मांग रहे हैं कि मैंने एक मोबाइल ऑर्डर किया था और वो मोबाइल मैंने कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद मेरे पास मैसेज आया कि आपका अमाउंट रिफंड हो गया है। मैं अपना ईमेल, अपना स्टेटमेंट कभी चेक नहीं करता हूँ, मतलब कि जो अमाउंट आया पे कर दिया। अब यहाँ पे मैंने मोबाइल पे नहीं लिया, कुछ किया भी नहीं, अब मेरे पास बैंक बोलता है कि आप अमाउंट पे करो और उस अमाउंट का हमने कोई सामान परचेस किया नहीं, ऐसे कैसे हो गया? दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो लोग अपना ईमेल हमेशा हर मंथ चेक नहीं करते हैं, कभी आपके ईमेल में ओवर ड्यू चार्ज लग के आ गया, कभी आपके ईमेल में आपके स्टेटमेंट में कोई अदर चार्ज लग के आ गया, अगर आप स्टेटमेंट चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे स्टेटमेंट में कौन कौन सा चार्ज लग के आया है, जिससे आप इस चीज को समझ पाओगे। अगर आप अपना स्टेटमेंट चेक नहीं करोगे तो बहुत बड़ी आपको दिक्कत होगा, कभी आपके संग कुछ ऐसा हो गया तो मालूम नहीं चलेगा। अब इनकी गलती क्या थी कि इन्होंने कभी अपने ईमेल, अपने स्टेटमेंट को चेक नहीं किया, चेक न करने की वजह से इतने बड़े मुसीबत को बुलावा दिए। तो वो बैंक कहता है कि हम आपको ईमेल भेज रहे हैं, हम आपको स्टेटमेंट भेज रहे हैं, तो आप उसको चेक कीजिएगा कि आपका टोटल ड्यू है, क्या आपका मिनिमम ड्यू है, आपको जानना बहुत जरूरी है। बट काफी लोग ऐसे हैं, उनके पास कोई मतलब कि ईमेल में मैसेज में आ गया कि आपका टोटल ड्यू और आपका मिनिमम ड्यू इतना है, उन्होंने पेमेंट कर दिया और अपना स्टेटमेंट को चेक नहीं किया, ये सबसे बड़ी गलती है। तो यहां पे हुआ क्या कि इन्होंने जो मोबाइल ऑर्डर किया, अब अगर इन्होंने Amazon से किया कि Flipkart से किया, जिससे भी किया, उसने पैसा रिफंड ही नहीं किया, अब इनके क्रेडिट कार्ड में जमा नहीं हुआ और उन्हें EMI पर सामान लिया था, अब उसकी किस्त तो बैंक लेगा क्योंकि पैसा वापस से आया नहीं, अगर आया होता तो ऑटोमेटिक ये क्लोज हो जाता। तो अगर ये जांच पड़ताल किए होते तो आज इनको ये दिक्कत नहीं होता। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने लाइफ में, अपने जिंदगी में, चाहे लोन का स्टेटमेंट हो, चाहे क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट हो, उसको चेक जरूर करना। कंपनी क्या आपको दे रही है, अगर आपको इंग्लिश में नहीं आता है कॉपी कीजिए, गूगल के थ्रू आप उसको कन्वर्ट कर लीजिए, आप उसको ट्रांसलेट कर लीजिए और हिंदी में उसको देख लीजिए। फिर भी आपको नहीं आता है, आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्कूल के कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पढ़े लिखे ज़्यादा होते हैं, आप उनको दिखा सकते हैं क्या लिखा, आपको बता देंगे। तो आपको खुद से अपनी सेफ्टी करना है और आज ये मुसीबत में जो फंसे हैं ये अपनी गलती से फंसे हैं, सिर भी खराब होगा, पैसा भी इनको पे करना पड़ेगा। और आज के टाइम की बात करूं तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो लापरवाही करते हैं। मैं बता दूं कि मेरे साथ खुद एक बार घटना हुआ था, मुझे मतलब कि ओवर लिमिट चार्ज लग गया था और जो कि मैंने कोई गलती किया भी नहीं था। इसके बाद मेरे पास स्टेटमेंट आया, मैंने चेक नहीं किया, पेमेंट कर दिया। मैं उस स्टेटमेंट को एक महीने बाद चेक किया, पता चला उसमें मुझे ओवर लिमिट चार्ज लगा है। मैंने बैंक में बात किया कि मैंने कोई भी ऐसा गलती किया नहीं, फिर क्यों लग गया? तो बैंक ने उसको रिवर्स किया, अगर मैं नहीं देखा होता तो मेरा लॉस जाता। तो दोस्तों मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा कि आपके पास क्रेडिट कार्ड हो, चाहे लोन हो, चाहे बैंक अकाउंट हो, हर चीज को बारीकी से चेक करना आपकी जिम्मेदारी है। बैंक तो आपको भेज देगा, बैंक आपके घर पे आके स्टेटमेंट खोल के आपको नहीं दिखाएगा, वो तो भेजेगा ना, देखना आपका काम है। अगर आप गलती करोगे तो आप ऐसे ही मुसीबत में पड़ जाओगे, कोई आपकी मदद नहीं करेगा, समझे ना। वीडियो कैसा लगा लाइक कर देना और आप बताना क्या आप अपना ईमेल पूरा अपना स्टेटमेंट चेक करते हैं कि नहीं, अपने अकाउंट में जरूर देना। फिर मिलते हैं नवीन साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।